हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के लास्ट वीक की, फरवरी 22 से फरवरी 29 तक के लिए। ये आपके रीशफल कार्ड्स हैं, तो टर्न करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। टू ऑफ स्टार्स, द मास्टर, द चैरियट, द एम्परर, द स्टार, टेन ऑफ स्टार, थ्री ऑफ मून, नाइन ऑफ स्टार्स इन रिवर्स एंड सिक्स ऑफ स्पेयर्स। तो अगर मैं इस रीडिंग के स्टार्ट करूं इस मिडल वाले कार्ड से, मुझे लगता है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है, मगर इसके बगल में एक और कार्ड है द एम्परर का। तो ऐसा हो सकता है कि जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है, मोस्टली जो मैरिड है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन का फैसला ले सकते हैं फ्रस्ट्रेट होके। आपका जो पार्टनर है इस कार्ड के साथ, सिक्स ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ये ग्रीडी है, ठीक है। और अगर आपका ऑलरेडी कोई केस चल रहा है डिवोर्स का, या आप उसमें डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, केस डालने की सोच रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। ये बहुत कुछ क्लेम करेगा, ये बहुत कुछ आपसे क्लेम करना चाहेगा, और ये चाहेगा पूरी तरह से कि आप इसको रिपे करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक बात आपको और बता दूं, इसका मतलब है जेलसी। इनके अंदर बहुत जेलसी है आपको लेके, इनको अच्छा नहीं लगता है जब आपको दूसरे लोग अटेंशन देते हैं। इनको लगता है ऐसा कि इनको क्यों नहीं अटेंशन मिल रहा, ये पोजेशन से ज्यादा जेलसी है। ये अपने आपको कॉम्पिटिटर की तरह समझ रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर एग्जैक्ट वर्ड रहेगा। ये आपसे करियर में मेरे ख्याल से कम कमाते हैं जो भी ये पर्सन है या कमाती है, और ये चीज इनको फ्रस्ट्रेट करती है। या फिर जिनके केस में ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसा है कि आपको ज्यादा अटेंशन मिलती है दूसरों की, इनको नहीं मिलती उतनी ज्यादा, ये उस चीज को लेके परेशान है। ये चाहते हैं कि आपको जितना अटेंशन मिल रहा है, जितने पैसे मिल रहे हैं, मतलब लाइफ का कोई भी डायमेंशन हो उसमें ये आपसे जालस हो सकते हैं। और अगर आप डिवोर्स की सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड है और डिवोर्स लेना चाह रहे हैं इस पर्सन से, तो ये इस पर्सन का ये बहुत लालची हो जाएगा, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन बहुत ग्रीडी रहेगा इस वक्त, फोर्थ वीक में आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा, चाहेगा कि आप उसे बहुत सारे गिफ्ट दें और वगैरह वगैरह की चीजें। और अगर आप ऐसा करते भी हैं, इट्स ओके अगर आप कभी कभी अपने पार्टनर्स की डिमांड पूरी कर दें, वो हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी वो इंसान खुश नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जेलसी है, वो इस बात से खुश नहीं है कि आप जो कमा रहे हैं उससे गिफ्ट दे रहे हैं। उसको चाहिए कि वो आपसे ज्यादा कमाए, आपसे ऊपर रहे हर चीज में। वो चाहता है कि आपके हाथ से जो, आपके हाथ में जो कंट्रोल है वो ना रहे, वो उसके हाथ में हो, ठीक है। अगेन अगर मैं देखने जाऊं, यहां पे आपके पास एक कार्ड है नाइन ऑफ स्टार्स इन रिवर्स, ये मुझे दिखा रहा है आपके अनएक्सपेक्टेड खर्च हो सकते हैं, कुछ ऐसा खर्च आपका बैठ सकता है जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है। और यहां पे द स्टार का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप भी अपने पूरे अटैकिंग मोड में हैं, आप भी रिकंसिलिएशन नहीं चाहते या किसी तरीके का सेटलमेंट नहीं चाहते। आप सोच रहे हैं ये जितने तेज अटैक करेंगे आप भी वैसे ही उसको रिप्लाई करेंगे, आप भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते। और एक और बात, आपके अंदर रीजनेबल फियर्स हैं। इनका जो बिहेवियर है, ये जो आप बिहेवियर देख रहे हैं इन लोगों का, इसके वजह से आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी बन गई है और आप इससे ब्रेक चाहते हैं। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकता है, और ये पर्सन इनसिक्योर है, ये दोनों साइड से हो सकता है, आप भी हो सकता है कि इनसिक्योर हो। और यहां जो आप द स्टार देख रहे हैं, ये मुझे यही दिखा रहा है कि आप भी अटैकिंग मोड पे रहेंगे, आप भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। हालांकि यहां पे जो मास्टर का कार्ड है, इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है आप वैसे भी इस पर्सन को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, आप जेनरस हैं। कुछ लोग हो सकता है आप में से अभी भी स्ट्रिक करना चाहते हो,
हालांकि स्ट्रेस सबको फील हो रहा होगा, मगर कुछ लोग अभी भी स्टिक करना चाहते हैं और जेनरस है अपने तरीके से, ठीक है, लॉफुल है, विलफुल है. आप जानते हैं कि इस पर्सन को आपको क्या देना चाहिए, ये पर्सन क्या डिजर्व करता है. आप हमेशा से देते आए हैं, अभी भी देना चाहते हैं. मतलब कि अगर किसी केस वगैरह मुकदमे में आप वाकई में उलझे हुए हैं तो आप देना चाहेंगे इनको जो ये डिजर्व करते हैं, मगर इनसे इनका लालच शांत नहीं हो रहा, इनको और ज्यादा चाहिए. इनको लगता है कि आपने जो भी इनको दिया है उससे ये बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. यहाँ पे देख रहे हैं द चैरियट का कार्ड, इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको इस वक्त गार्ड करेंगे. ये जो भी जेलसी है या जो भी ये आप पे फॉल्स एक्यूजेशन बहुत लग सकते हैं. ये देख रहे हैं आप टू ऑफ स्टार्स बैलेंस, यहाँ पे कि ये फॉल्स एक्यूजेशन बहुत लगा सकते हैं आपके ऊपर. मतलब कि जो आपने किया नहीं है, अगर आपके केस मुकदमे में आप पूछे या आप रिलेशनशिप में भी हैं, आपके पीछे पीठ पीछे बहुत बातें होंगी. ये पर्सन खुद आपके पीठ पीछे दूसरों से बात करेगा और इससे आपको बहुत बुरा लगेगा और आप बहुत ट्रबल फील करेंगे. लेकिन यहाँ पे द चैरियट, दो एंजल्स हैं यहाँ पे, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है. तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपको जितना भी हार्म करने की कोशिश करें, आपके पास एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल है, एक प्रोटेक्शन है, जो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से भेद पाएगा. और इस पर्सन को बहुत अच्छी डील का स्ट्रगल लगेगा आपको फंसाने के लिए. फंसाना नॉट द करेक्ट वर्ड, मुझे लगता है कि आपको गलत साबित करने के लिए, ठीक है, आपको गलत साबित करने के लिए इनको बहुत एफर्ट लगेगा. लेट्स चेक द मैसेजेस फॉर यू, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी. ओके, आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड. ओके, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं और जो भी सपने हैं सब रियलिटी में बदल रहे हैं, फोकस्ड रहें. ओके, अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कर रहा है तो आप प्लीज उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है या आप जिस पोजीशन पे आज है जिससे यह पर्सन जालस है, ठीक है, आप जिस भी पोजीशन पे आज हैं जिससे यह पर्सन जालस है, इसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया. और आप किसी के बुरा बोलने से, किसी के इल्जाम लगाने से आप प्लीज डिस्टर्ब ना हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस ना ले, अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है ये वक्त आपके लिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने का नहीं है, ठीक है. तो बस आप आगे चलते जाइए, इस पर्सन की तरफ ध्यान मत दीजिए. वैसे भी ये सिर्फ एक सप्ताह की रीडिंग है और चीजें आगे अपने आप बदलती जाएंगी और बेहतर होती जाएंगी. यहाँ पे आपको आइसिस गॉडेस यही कह रही है कि आप अपने गोल पे फोकस रहें और आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, नो मैटर आपके पीछे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं या कितना आपसे जल रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So I hope you enjoyed the reading. See you in the next video. Till then, bye.